हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ मसल ब्लेज के असाइलम वे प्रोटीन का। ये वे प्रोटीन मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसका फ्लेवर है केसर पिस्ता। इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है अमेज़ॉन की वेबसाइट से। ये मैंने वे प्रोटीन इसलिए ख़रीदा था, काफ़ी अफोर्डेबल वे प्रोटीन है, 1000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। मगर गाइज, इसका मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ मसल ब्लेज के प्रो चेक के थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है टेस्ट ट्यूब और दूसरा मिलता है आपको एक ऐसा सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही सब चीज़ें मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर ली है। सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर सारा का सारा सॉल्यूशन डाल देना है। फिर इस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शेकर के अंदर 300 ml पानी डालना है, उसके अंदर 24 ग्राम वे प्रोटीन डालना है। फिर इसको कम से कम 20 से 30 सेकेंड के लिए आपको मिक्स करना है अच्छी तरह। 20 से 30 सेकंड मिक्स करने के बाद आपको इसको कम से कम 10 ml तक इस टेस्ट ट्यूब में भरना है और फिर आपको इसको बंद कर देना है और इसको वर्टिकली आपको खड़ा छोड़ देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। और आपको देखना है कि इसमें कोई रिएक्शन होते हैं नहीं होते, और 24 घंटे बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन सेपरेट होता है या नहीं होता। अगर ये ओरिजिनल होगा तो ये सेपरेट हो जाएगा और ये हमारे को अलग से दिखने लगेगा। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सब कुछ कर रखा है, मैंने ऑलरेडी इसका रिजल्ट्स और इसका टेस्ट कर चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको जो ओरिजिनल वो था उसका क्या हुआ है। बेसिकली ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ और ये आप देख सकते हो 24 घंटे बाद जो वे प्रोटीन है वो ऊपर ही तैर रहा है, वो नीचे नहीं आया है। अगर मैं इसको इन्वर्जन टेस्ट भी करता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरा डिजोल्व हो गया है, कुछ भी प्रोटीन नहीं है। आप ये लगा लो, 1000 रुपये के अंदर हम बस फ्लेवर कंज्यूम कर रहे थे केसर पिस्ता का और इसमें कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो गाइज़, ये वे प्रोटीन बिल्कुल फेक वे प्रोटीन है। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप खुद टेस्ट कर सकते हो, 300 रुपये की आती है, उसके अंदर आप 2 वे प्रोटीन चेक कर सकते हो, खुद टेस्ट करके देखो। और मैं इस वे प्रोटीन का नेगेटिव रिव्यू इसलिए नहीं दे रहा या मैं कोई अनबायस रिव्यू नहीं दे रहा, मैं इसका कंज्यूमर हूँ और मैंने इस वे प्रोटीन को कंज्यूम किया है, इस वजह से मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये वे प्रोटीन बिल्कुल फेक वे प्रोटीन है। आप इनकी वेबसाइट पर जाओ, इनको मैसेज करो, इनको टेक्स्ट करो और इनको बताओ कि ये वे प्रोटीन बिल्कुल फेक वे प्रोटीन है। और आजकल क्या हो रहा है गाइस, कि हमें यहाँ पे एक बार कोड दे दिया जाता है और उस पर कहा जाता है कि वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करके अगर वेरीफाई हो जाता है तो वो वे प्रोटीन असली होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है, वेरीफाई करने के बाद भी आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वे प्रोटीन असली है नहीं। बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज आ रही हैं जो कि हमें वे प्रोटीन के नाम पर बस फ्लेवर बेक रही हैं। इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। कंटेंट पसंद आए कंटेंट को शेयर करो और चैनल को फॉलो करो।